वेल तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर दोस्तों आपके पास एक डीएक्टिवेट सिम पड़ा हुआ है या फिर आपका सिम डीएक्टिवेट हो चुका है, देन उस कंडीशन में आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। बिकॉज दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं वो सारा क्वेश्चन कवर अप करने वाला हूँ एंड उस सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ जो कि दोस्तों आपके मन में आता होगा जब आपका सिम डीएक्टिवेट हो जाता होगा। तब आपके मन में जो भी क्वेश्चन आते होंगे, लाइक कि सपोज दैट कि आपका एक सिम है एंड आप उसे लॉन्ग टाइम से यूज नहीं कर रहे हो एंड आप उसे आप यूज करना चाहते हो, देन आप किस तरह से चेक कर सकते हो जो आपका उस सिम है वो अभी तक एक्टिवेट है या फिर डीएक्टिवेट हो चुका है। एंड सपोज दैट वो सिम आपका डीएक्टिवेट हो चुका है, देन आप नेक्स्ट आपके मन में ये भी सवाल आ गया होगा कि क्या हम इसे फिर से रीएक्टिवेट करा सकते हैं या फिर नहीं, अगर करा सकते हैं तो क्या हम इसे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन रीएक्टिवेट करा सकते हैं। तो मतलब इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल थे जो कि दोस्तों आपके मन में आते होंगे। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना एंड इस वीडियो को आप अच्छी तरह से एंड तक देखना तो आपके मन में इस टाइप्स के जो भी सवाल थे वो सब क्लियर आउट होने वाली है। एंड साथ ही दोस्तों आज का जो वीडियो है इस वीडियो को आप बोल सकते हो कि ये Q&A वीडियो है, बिकॉज इस वीडियो में आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आप सवाल पूछते हो गूगल से यूट्यूब से, तो वो सारे सवाल को मैं कवर आउट करके उसका आंसर देने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप मिस मत करना। तो चलिए अब कर लेते हैं वीडियो को फटाक स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं जब आपका सिम डीएक्टिवेट हो जाता है देन उस कंडीशन में आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ सवाल है कि दोस्तों मान लो कि आप बहुत दिन से एक सिम को यूज़ नहीं कर रहे हो, शायद से 3 मंथ 4 मंथ से आप एक सिम को यूज़ नहीं कर रहे हो, बट आप उसे फिर से रीयूज़ में लाना चाहते हो, देन उस कंडीशन में आपके मन में ये सवाल आता है कि हम किस तरह से उसे चेक कर सकते हैं कि वो सिम मेरा अभी तक एक्टिवेट है फिर या फिर उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा आसान सा एक तरीका है, आप सिंपली से अपने सिम को फ़ोन में एंटर करो एंड सिंपली से अगर सिम को एंटर करने के बाद आपको वहाँ पे ऊपर साइड में नेटवर्क वगैरह में वहाँ आपको नेटवर्क दिखा रहे हैं एंड आपको वहाँ पे कुछ नो सिम नो सर्विस वगैरह यहाँ पे आपको लिखा नहीं देखने को मिल रहा है, तो मान लो कि आपका सिम अभी तक एक्टिवेट है। अगर दोस्तों आपको ऊपर में वहाँ पे नेटवर्क वर्क नहीं देखने को मिल रहा है एंड वहाँ पे नो सिम जैसे वहाँ पे और कुछ लिखा रहा है इमरजेंसी सिम कार्ड इस तरह का कुछ और लिखा रहा है, तो आप समझ जाओ कि अब आपका सिम डीएक्टिवेट हो चुका है। अब जो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि दोस्तों सपोज डैट कि आपका सिम डीएक्टिवेट हो चुका है, क्या हम उसे फिर से रीएक्टिवेट, क्या हम उसे एक्टिवेट करा सकते हैं? तो उसका जवाब है दोस्तों बिल्कुल से नहीं, आप उस सिम को फिर से रीएक्टिवेट नहीं करा सकते हो। उसके पीछे सिंपल सा कारण यह है कि दोस्तों अगर आपका सिम 90 डेज से आप किसी सिम को यूज़ नहीं कर रहे हो, ना ही उसे कॉल कर रहे हो, ना ही इंटरनेट चला रहे हो, तो ऑटोमेटिकली से आपका वो सिम को आपसे डिसकनेक्ट करके किसी और नए कस्टमर को वो नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उस कारण से आपको वहाँ पे बहुत कम ही चांस है कि आपको सिम वहाँ पे फिर से आपको मिलेगी, आपका सिम आपका जो वो नंबर था फिर से आपके नाम पे फिर से उसे रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम चांस है। बट एक बार जाके आप ट्राई कर सकते हो, आप जो भी कंपनी का आपका सिम है लाइक आइडिया है तो आइडिया का सर्विस सेंटर जाके आप एक बार अपना लक को आजमा सकते हो, शायद से आपका नाम जो आपका वो नंबर था वो किसी और को अभी तक अलॉट नहीं हुआ होगा, तो शायद से आपको फिर से वो नंबर फिर से रीएक्टिवेट करके दे दिया जाए। नेक्स्ट जो अब सवाल है वो ये है कि दोस्तों क्या हम अपने डीएक्टिवेट हुए सिम को ऑनलाइन एक्टिवेट करा सकते हो? तो भाई आप बिल्कुल से नहीं करा सकते हो, बिल्कुल आपको पता ही होगा कि उसके पीछे मैंने भी जस्ट कारण बता ही दिया कि आपको वो सिम तो मिलने ही वाला नहीं है, तो फिर यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन की बात कहाँ से आ गई है। तो आप समझ लो कि आपका जो सिम डीएक्टिवेट हो चुका है तो वहाँ पे 90% से कम ही चांस है कि आपको वहाँ पे वो सिम फिर से वापस देखने को मिलने वाली है। अब जो नेक्स्ट दोस्तों चौथा सवाल ये है कि दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड बहुत ही आदमी ने ये पूछा है कि मैं अपने सिम को 3 मंथ से यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सिम को 6 मंथ से यूज नहीं कर रहा हूँ एंड मैं अपने सिम को 1 साल पैसे यूज नहीं कर रहा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो क्या हम इसे फिर से रीएक्टिवेट करा सकते हैं? तो मैंने आपको दोस्तों पहले से ही बता दिया कि आप उसे रीएक्टिवेट बिल्कुल से भी नहीं कर सकते, आप भूल जाओ एंड जाओ एक नया नंबर एक नया सिम आप खरीद लो। एंड आप दोस्तों पांचवा सवाल पे जाए तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं तो आपका जो भी सवाल है अगर आपका सिम डीएक्टिवेट हो चुका है तो इस केस में दोस्तों आप भूल ही जाओ कि आपका वो सिम फिर से रीएक्टिवेट होगा। तो अगर आप लक्की ही होगे जो आपका वो सिम अगर आप सर्विस सेंटर विजिट करते हो एंड आपका अगर वो नंबर अवेलेबल होगा एंड अगर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप बहुत ही ज्यादा लक्की हो गए। तो सिंपल वर्ड में आप समझो कि जो सिम आपका फिर एक बार डीएक्टिवेट हो चुका है देन अब वो कभी भी एक्टिवेट नहीं हो सकता, उस सिम को आप भूल जाओ, एक नया सिम आप बाय कर लो।
तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड दोस्तों इसी तरह के आपके मन में और भी कुछ सवाल है आपके सिम को लेके या फिर आपके स्मार्टफोन लेके, मतलब इसी तरह के और भी कोई सवाल है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा। अगर वो क्वेश्चन वीडियो बनाने लायक होगा तो मैं वीडियो बना के भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।